हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये किसने लिखा? शायद तुम तो वो ऑफिस के काम से चेन्नई गए थे ना? कोई चेन्नई बनने नहीं गया, ये तो मेरा प्लान था तुम्हें सरप्राइज देने का। माय गॉड, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, ये सब तुमने लिखा है? आर यू मैड? यस यार, आई एम मैड फॉर यू। और ये खून क्या, तुम्हारे लिए तो जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे जिया। ऋषभ, आजकल तेरे सारे जोक्स जो है ना पति पत्नी के ऊपर होते हैं, अब वक्त आ गया है इसकी भी शादी करवा देनी चाहिए। हाँ ऋषभ, वैसे भी हमारे ग्रुप में तू ही एक सिर्फ कुंवारा बचा है। भाभी जी, शादी करने के लिए जिया जैसी खूबसूरत लड़की मिलनी भी तो चाहिए। क्या बात है यार। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? मस्ती मार रहे हो? इंतजार कर रहे भाई तेरा यार। क्या बात है भाई, तुम लोग बड़ा हंस रहे थे। हैं कुछ नहीं, हमेशा की तरह ऋषभ की शादी की बात चल रही थी। अच्छा, वैसे मैं भी ऋषभ के लिए लड़की ढूंढ रहा था, पर क्या करें, कोई भी लड़की से शादी नहीं करना चाहती। अरे भाई, कैसे करना चाहेगी अक्षित बाबू, जो लड़की मेरे लिए बनी थी उसको तो तू ले उड़ा। हाँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन लड़की जिया 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 जिया। ये ऋषभ भी ना कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जिया भी तो उसी कंपनी एंजॉय करेंगे नहीं? चलो। अरे कहाँ, अभी तो पार्टी भी नहीं शुरू हुई। जिया चलो यहाँ। आराम से अक्षित, यू आर हर्टिंग मी। जिया, आर यू ओके? तुम्हारी कलाई पे लगा तुम्हें? ऋषभ, जिया मेरी बीवी है, यानी कि तुम्हारी भाभी, सो प्लीज अपने दायरे में रखो। दायरे से कौन बाहर जा रहा है यार, मैंने जिया की थोड़ी सी तारीफ ही की है ना, बेवजह नाराज हो रहे हो। चिल गाइस, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ नहीं यार, एज यूजुअल अक्षित जिया को लेकर ओवर पजेसिव हो रहा है। आइंदा जिस पार्टी में ऋषभ आए उसे प्लीज मुझे मत बुलाना। रिलैक्स अक्षित, व्हाई आर यू ओवररिएक्टिंग? ऋषभ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। देखा देखा, जिया अभी मेरी साइड ले रही है। क्यों झगड़ रहे आप लोग,
देखिए यहाँ पे झगड़ा मत कीजिए, हमारा रिसोर्ट का नाम खराब हो सकता है। लेकिन सर हम झगड़ा नहीं कर रहे थे सर। बहस भी मत कीजिए, सारे मेहमान यहीं पे देख रहे हैं। We are extremely sorry, sir. I think you should enjoy the party. Come on, यार, enjoy. चलो अक्षत, मुझे और नहीं रुकना, घर चलो। नहीं, किसी और की वजह से हम अपनी शाम क्यों खराब करें, हम यहीं रुकेंगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। बोलो। तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगे। ठीक है। Promise? Gentleman promise. ये हुई ना बात। Great. Come on guys, let's dance. It's Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Come on. अगर आज इस ऋषभ का गेम ओवर नहीं किया तो मेरा नाम भी अक्षित नहीं। अक्षित, तुम लोगों ने कहीं अक्षित को देखा? अक्षित को तो हमने नहीं देखा, लेकिन हुआ क्या? पता नहीं कहाँ चला गया। पता नहीं कहाँ चला गया का क्या मतलब है? रात को कमरे में था कि नहीं? नहीं प्राची, रात को तो वो कमरे में ही था, लेकिन लेकिन जब मैं सुबह उठी तो वो वहाँ नहीं था। अरे बाथरूम में नहाते नहाते सो गया होगा। शुभम प्लीज, मैंने सबसे पहले बाथरूम में ही चेक किया था, वो वहाँ पर भी नहीं है। फिक्र मत कर, यही कहीं टहलने चला गया होगा, आ जाएगा। अरे यार तुम लोग बेकार में टेंशन ले रहे हो, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, चल के नाश्ता करें क्या? हाँ हाँ, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। चलो चले यार। जिया तुम भी हमारे साथ चलो ना। नहीं तुम लोग जाओ, एक बार अक्षत मिल जाए मैं उसी के साथ खा लूंगी। ठीक है चलो यार। ये आवाज कैसी है? ये आवाज कहाँ से आई? रामू, रामू, क्या बात है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात? साहब, साहब, क्या? वो, साहब, वो लाश। लाश? हाँ। मालगे। पानी की वजह से लाश अभी तक खुली नहीं है। मतलब ज्यादा देर तक लाश पानी में नहीं थी। ये देखो, सर पे ये चोट काफी गहरी है, लगता है किसी ने इसे पहले सर पे मारा, उसके बाद लाश को स्विमिंग पूल में फेंक दिया। सर इसकी बॉडी पे और कोई भी घाव के निशान नहीं सिवाय सर की चोट के। ये भी हो सकता है कि सर की चोट की वजह से इसकी मौत हो गई और उसके बाद पूल में फेंक दिया। वैसे अक्सर तो खूनी लाश को किसी ऐसी जगह पर छुपाते हैं जहां से लाश दिखाई ना दे, लेकिन इस खूनी ने लाश को खुलेआम स्विमिंग पूल में डाल दिया। मतलब ये चाहता था कि लाश हमें मिल जाए। आपने आखिरी बार अक्षत को कब देखा था? कल रात 12 बजे। कहाँ पे देखा था? हमारे कमरे में, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो वो वहाँ थे ही नहीं। अच्छा, कमरे के अंदर सामान वगैरह बिखरा पड़ा था? मेरा मतलब है अक्षत का किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह कुछ हुआ था क्या? सब सामान अपनी जगह पर ही था और मुझे नहीं लगता कि कल रात उस कमरे में और कोई आया था। मतलब अक्षत खुद ही कमरे से बाहर चला गया? शायद। मगर जब वो कमरे से बाहर निकला तो आपको पता कैसे नहीं चला? बेड से कोई उठ के निकलता है तो नींद तो खुलती है ना। एक्चुअली मुझे मुझे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं दवाई खाकर सोती हूँ और मुझे इतनी गहरी नींद आती है कि कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, किसी को शक है किसी पे? कौन कर सकता है ये?
सर ये ऋषभ का ही काम हो सकता है। ऋषभ कौन कौन है ये ऋषभ? वो भी हमारा दोस्त है और कल रात पार्टी में जब ऋषभ और अक्षय के बीच में झगड़ा हुआ था। और सर उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि 12 से 1 के बीच हम लोग स्विमिंग करेंगे, पर ना ही ऋषभ आया और ना ही अक्षय आया सर। इसका मतलब है यहाँ जो कुछ भी हुआ रात 1 बजे के बाद हुआ है। अच्छा ये ऋषभ दिखता कैसा है? उसका फोटो है किसी के पास? हाँ सर, रात को हम पार्टी की फोटो ले रहे थे, इनमें ऋषभ भी है। ये रहा सर। ये ऋषभ है। मैनेजर साहब हम ऋषभ का कमरा देखना चाहते हैं। आइए सर मैं दिखाता हूँ ऋषभ का कमरा। चलिए। सर मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आपके कान में कहना चाहता हूँ। मेरे कान में कहेंगे? सर ये लाश की बात होटल के बाहर जाने मत दीजिए सर, हमारा रिसोर्ट का इज्जत का सवाल है। मुझे लगा आप खूनी का नाम बताने वाले हैं। खूनी का नाम मुझे कैसे पता चलता सर? यहाँ पे आपके रिसोर्ट में एक आदमी का खून हुआ, तुम्हें अपने रिसोर्ट की इज्जत की पड़ी? चलिए इसे आपका कमरा दिखाइए। कमरे की हालत देखकर लगता है कि यहाँ पे हाथापाई हुई है। तो ये देखिए शराब की बोतल और 2 ग्लासेस। ऋषभ ने यहाँ पे शराब पी है किसी के साथ। सर ऋषभ का सामान और कपड़े यहीं पे पड़े सर, ऋषभ भागा नहीं है, यहीं पे होगा। या तो ऋषभ वापस आने वाला है या फिर इतनी जल्दी में भागा यहां से कि सामान ले जाना जरूरी नहीं समझा होगा उसने। खून सूख चुका है, कल रात का लगता है। सर ये खून कहीं अक्षत का तो नहीं? हो सकता है ऋषभ ने पहले अक्षित के सर पे किसी चीज से वार किया और फिर उसकी लाश को बाहर स्विमिंग पूल में डाल दिया। आसान की पता चला अक्षित की मौत कैसे हुई? हेड इंजरी से हुई है बस। इसके सर पे जो घाव है वो इतना गहरा है कि इसी से इसकी मौत हो गई। ये देखो इसके घाव में किसी ने ग्लास या कोई बॉटल इतनी जोर से मारी है, ये कांच के टुकड़े वो इसके सर में घुस गए। ओ मतलब सारुंखे अक्षित की मौत सिर के घाव की वजह से हुई है, पानी में डूबने की वजह से नहीं है? नहीं बस इसके फेफड़ों में मुझे जरा भी पानी नहीं मिला। मुझे लगता है खूनी ने इसको मारने के बाद इसकी लाश को पानी में फेंका है। यार इसकी मौत कितने बजे हुई होगी? यही कोई रात को 2:30 से 3 बजे के बीच। तो सब ये लाश पानी में कितनी देर तक थी? ज्यादा देर तक नहीं रही होगी क्योंकि लाश फूली नहीं है, मेरे ख्याल से 3-4 घंटे। अक्षित की लाश पानी में से निकाली 7:00 बजे, मतलब अक्षित को पानी में फेंका गया रात के 3 और 4 बजे के बीच में। और सिर्फ 12 बजे तक तो अक्षित जिया के साथ था, इसका मतलब अक्षित की मौत 12 से 3 बजे के बीच में हुई है। सड़के ऋषभ के कमरे में जो खून मिला था वो अक्षित का ही है ना? नहीं बस मैंने खून के सैंपल्स अच्छी तरह से टेस्ट किए, ये खून अक्षत का नहीं। खून अक्षत का नहीं है? ये खून किसी और का है। मतलब वहां पे किसी और को भी चोट लगी है? ऋषभ को ही चोट लगी होगी, ऋषभ का ही तो कमरा है ना वो। हाँ अभिजीत क्या ऋषभ गायब है? ठीक है एक और बात बस। क्या? मुझे ऋषभ के कमरे में जो ग्लास में थोड़ी सी शराब मिली है वो शराब जहरीली है, उसमें जहर मिला हुआ है। जहर मिला? कैसा जहर? यूटीकियो नाम का जहर। यार सुन के वही जहर है ना जो अगर शराब में मिलाया जाए तो पीने वाले का 2 मिनट में काम खत्म।
बिल्कुल बॉस। अक्षित के बॉडी में तुम्हें ईटू की ओर जहर मिला? इस अक्षित के शरीर में मुझे शराब तो मिली है लेकिन जहर का जरा भी ट्रेस नहीं। अक्षित के बॉडी में शराब मिली है पर जहर का जरा भी ट्रेस नहीं, तो फिर वो जहर वाली शराब पी किसने? नाम क्या तुम दोनों का? ये क्या बताएंगे सर, मैं बताता हूँ। इसका नाम रघु है और ये भैरव। इन दोनों का मुंह नहीं है क्या? ये बात ये भी तो बता सकते थे। नाक कटवा दी दोनों ने साहब। पता नहीं साहब ये ड्यूटी करते हैं कि क्या करते हैं। सुन लिया, रघु और भैरव तुम दोनों की ड्यूटी कहाँ रहती है? सर ये रघु की ड्यूटी स्विमिंग पूल पर और ये भैरव मेन गेट पर। सर मुझे तो लगता है कि तुम डर रहे हो, ये लोग तुम्हारे बारे में कुछ बताना। तो रघु तुम्हारी ड्यूटी स्विमिंग पूल पे होती है? जी 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 साहब। कल रात 12 से 3 के बीच तुम ड्यूटी पे थे ना? हाँ साहब। तो फिर तुमने देखा कैसे नहीं, किसने डाली लाश अक्षित के पूल में? वो साहब मैं देख नहीं सका साहब। मैं देख नहीं सका या खर्राटे मार रहे थे? नहीं साहब वो बात नहीं है, पर जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ से स्विमिंग पूल दिखाई नहीं पड़ता साहब। तुम्हारी सीट कहाँ पे? वो साहब वहाँ। वहाँ प्रिटी जरा वहाँ वॉचमैन की सीट पे जाके बैठ के देखो, वहाँ से पूल दिखता है क्या? मैं वॉचमैन की सीट पे जाके बैठू? ये तो कैसे गोद में बैठोगे? जाओ। रेडी, वहां से पूल दिख रहा है। स्विमिंग पूल तो छोड़ो, पानी की एक बूंद तक नहीं दिख रही है। देखा साहब, अब तो मानते हैं ना कि मैं सच बोल रहा था। चलो मान लिया कि जहां पे तुम बैठते हो उस सीट से पूल की तरफ क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं देता, मगर हो सकता है खूनी लाश यहीं से लेके गया हो तुम्हारे सीट के सामने से। हाँ कल रात 12 से 3 वो अपनी सीट पे थे ना? वैसे तो सीट पे ही था सर, पर क्या? 2-3 बार बाहर गया था। गए कहाँ थे तू? बाथरूम गया था साहब। बाथरूम गए थे सर, लगता है उसी दौरान खूनी ने अपना काम कर दिया। हो सकता है सचिन, स्विमिंग पूल का इलाका काफी खुला इलाका है, और भी कई रास्ते हैं लाश को यहाँ स्विमिंग पूल तक लाने के। बैठो। हाँ सर। तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पे रहती है? वहाँ पर मेन गेट। तो कल रात 12 से 3 बजे के बीच में तुमने यहाँ पे किसी को घूमते हुए देखा था? हाँ सर, कल रात को 1 बजे एक आदमी अपने दोस्त को कार में लेकर बाहर गया था। वो कह रहा था कि उसके दोस्त ने कुछ ज्यादा पी ली, वो उसे घर छोड़ने जा रहा है। कौन था वो आदमी? वही साहब जिसकी लाश आपको पूल से मिली। सर इसका मतलब अक्षित रात को 1 बजे रिसोर्ट से बाहर गया था? अक्षित के साथ जो आदमी था तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं साहब, अंधेरे में कैसे दिखेगा कि कार में कौन बैठा है। हाँ फिर भी मगर कुछ तो दिखता ही है। ये आदमी था अक्षित के साथ कार में? नहीं सर, कार में अंधेरा था, मैंने सिर्फ कार चलाने वाले को देखा। ये दोनों 1 बजे गए थे ना, तो फिर वापस कब आए? करीब 1 घंटे बाद। मतलब 2 बजे अक्षित 1 बजे गया शायद ऋषभ के साथ और वापस आया 2 बजे। अच्छा ये दोनों साथ में वापस आए या अक्षित अकेला वापस आया? अकेला आया था सर। तो ऋषभ गया कहाँ? अक्षित की कार कहाँ है? देखो कौन सी गाड़ी। सर इस तरह सारे गाड़ी आप चेक नहीं कर सकते सर, हमारे मेहमान बुरा मान जाएंगे सर। जब रिसोर्ट को ताला लगेगा तो मेहमान अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे दोबारा आने की जरूरत नहीं। ऐसा मत कीजिए सर। सर अगर रिसोर्ट को ताला लग जाएगा तो मुझे नई नौकरी कौन देगा सर? मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। MH01T1325 सर। हाँ? अक्षित की कार। गाड़ी चेक करते हैं। प्रेडी, वो देखो फोन लगा हुआ है। मतलब अक्षित ऋषभ के साथ ही बाहर गया था, ऋषभ के कमर में से हमें खून भी तो मिला है। एक काम करो फिर, खून उठा लो, डॉक्टर सालों के मैच करके बता देंगे कि ये खून ऋषभ के कमरे वाले खून से मैच होता है या नहीं।
सर अगर ऋषभ को अक्षत ने जख्मी किया है तो फिर अक्षत को मारा किसने? हो सकता है कि ऋषभ बदला लेने के लिए वापस आया होगा और अक्षत का खून करके फरार हो गया। नहीं, जख्मी हालत में ऋषभ अक्षत का खून करके उसकी लाश को स्विमिंग पूल में डाले जरा मुश्किल लगता है पड़ी। तो सर अक्षत ने ऋषभ के साथ किया क्या होगा? कहाँ लेकर गया होगा इसे? ये अक्षत रिसोर्ट से निकला रात को 1 बजे और फिर वापस आया 2 बजे। मतलब वो किसी ऐसे जगह पे गया था जो यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे। हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे कौन सी जगह है जहाँ पे अक्षत ऋषभ को ले जा सकता है। रिसोर्ट से आधे घंटे की दूरी पे यही एक इलाका है जो बिल्कुल सुनसान है। ना ही आसपास कोई घर है और ना ही कोई दुकान है। हो सकता है अक्षत ऋषभ को यहीं पे लेके आया। हो सकता है 1:30 बजे यहाँ पे आया था। हाँ सर, यहाँ पे लाश को छुपाना बहुत आसान है क्योंकि अगर कहीं लाश को सड़क के आसपास फेंका होता तो कोई भी देख लेता। चलो देखते हैं। आसपास यहाँ पे और कुछ मिलता है क्या? माय गॉड, चेहरा तो बुरी तरह से जल गया है। सर, हाँ सचिन, इसका तो पॉकेट भी पूरी तरह से जल चुका है। कहीं ये ऋषभ ही तो नहीं? हो सकता है अक्षत इसे लाया हो। सिक्योरिटी गार्ड ने ऋषभ को रिसोर्ट में वापस जाते हुए नहीं देखा। इस आदमी को शायद यहीं पे जलाया गया है। ये देखो, घास का ये बड़ा सा पैच जल गया है। बस पता चल गया। क्या पता चला? बस इस आदमी को पहले मारा गया है उसके बाद इसे जलाया गया। मगर मारा कैसे साळुंखी? मारा कैसे? जहर, वही जहर। यूटी क्यों? एग्जैक्टली। और बॉस, वो ऋषभ के कमरे में आप लोगों को जो शराब का ग्लास मिला था, हाँ, इस आदमी ने पिए उस ग्लास में शराब। और वो जो ब्लड सैंपल मिले थे वो भी इसी आदमी के। ये ऋषभ है? अगर ये ऋषभ है तो फिर अक्षत को किसने मारा? क्योंकि यही आदमी अक्षत के साथ रिसोर्ट के बाहर गया था रात के 1 बजे। और बॉस, ये आदमी अक्षत के मरने से 1-2 घंटे पहले मारा गया। 1-2 घंटे पहले? सर फिर तो शायद अक्षत ने इसे मारा होगा और रात को 1 और 2 बजे के बीच वही लाश को ठिकाने लगाने गया था। अक्षत रिसोर्ट में आता है रात के 2 बजे, उसके बाद वो कहीं बाहर जाता नहीं। फिर अक्षत की लाश को रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में डाला जाता है रात के लगभग 3 बजे।
इसका मतलब है अक्षित की खून की कहानी रची गई। रात के 2 और 3 बजे के बीच उन 60 मिनटों में। मगर कहां मारा गया अक्षित को उस रिसोर्ट में? मुझे इस मैनेजर महेश पर शक है। हम जहां जहां जाते हैं वो एक साये की तरह हमारे पीछे घूमता रहता है। इन दोनों खून में इसके हाथ रंगे हुए हैं सर। तो ये मैनेजर पहले किसी और रिसोर्ट में काम करता था, 2 महीने हुए उसे यहाँ पे आए हुए, और यहाँ आकर फिर से गड़बड़ शुरू की। अभिजीत, पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये खूनी अक्षित को किस रास्ते से स्विमिंग पूल में लेकर गया। ये रिसेप्शन पे तो हमेशा 1-2 लोग रहते हैं, तो वहां से तो नहीं ले गया होगा। ये अक्षित रात के 2 बजे रिसोर्ट में आया, उसने अपनी गाड़ी पार्क की और फिर उसके बाद में उसका खून करके उसकी लाश को किसी ने स्विमिंग पूल में डाल दिया। तो इसका मतलब है कि अक्षित का खून इस कार पार्क और स्विमिंग पूल के बीच में ये जो एरिया है, ये जगह है, वहीं पर हुआ है। सर, ये कार पार्क से पूल पे जाने के 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक तो ये है सामने की तरफ से, दूसरा ये कॉरिडोर से होता हुआ ये रास्ता यहाँ पूल पे जा रहा है। अगर खूनी अक्षित की लाश को सामने से ले जाता तो उसे जरूर ये वॉचमैन भैरव देख लेता। ऑब्वियसली वो सामने से गया ही नहीं, वो गया है इसी कॉरिडोर से स्विमिंग पूल की तरफ। इस कॉरिडोर को देखते कहाँ पर है? तेरे बाएं तरफ बजट रूम से गेस्ट के लिए, थोड़े सस्ते वाले हैं सर। जाएं तर। सर ये हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये सब रूम्स बंद है सर। रूम्स बंद है? हाँ सर। अच्छा, खून लगा हुआ। सर ये तो बिल्कुल वैसा ही कांच का टुकड़ा है जैसा अक्षत की लाश में से मिला था। जरा देखो, सूम कर देखो। है सर, शराब की स्मेल है। इसका मतलब है अभिजीत, अक्षत का खून इसी कमरे में हुआ है। कमरा खोलो सर। तो रिसोर्ट का स्टोर रूम है सर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। खून लगा हुआ कांच का टुकड़ा मिला है, समझे आप? अंदर बहुत कुछ मिलेगा, खोलो आप दरवाजा। मेरे पास चालू तो फिर मंगाओ। सर मैंने आपसे कहा ना सर, यहाँ पे तो सिर्फ होटल का सामान पड़ा हुआ है सर। और हाँ, होटल का सामान पड़ा है, दिख रहा है ना? और फिर ये क्या है? हैं? ये भी होटल का सामान है क्यों? क्या है ये? कांच के टुकड़े हैं? ये कांच के टुकड़े कहाँ से आए? ये देखो, इस पर खून लगा हुआ है। कैसे, क्या हुआ पता है? यहां पर तुम्हारे स्टोर रूम में अक्षित का खून किया गया और फिर उसकी लाश को ले जा करके स्विमिंग पूल में डाल दिया गया, समझे? होटल का सामान विवेक, रख दो इसे और इस सारा स्टोर रूम अच्छी तरह से छान मार। सर सर ये क्या कर रहे हैं सर? टुकड़ा सर, इसके पीछे किसी का आवाज आ रहा है सर। आवाज आ रही? हाँ, हटाओ इसको, हटाओ। Oh my God, हटाओ, हटाओ।
सर ये तो ऋषभ है। सर ऋषभ तो जिंदा है। हाँ। ऋषभ किसने किया ये सब? ऋषभ ऋषभ नहीं नहीं इसकी हालत बहुत खराब है, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। यस सर। आराम से आराम से। संभाल के ले सर। अगर ऋषभ यहाँ पर जिंदा है तो फिर वो आदमी कौन था जो उस रात अक्षत के साथ बाहर गया था? वो कौन था जिसकी जली हुई लाश मिली थी? सर वो सब ठीक है अभिजीत, अगर अक्षत को किसने मारा? सर मैं रिसोर्ट से आ रहा हूँ, वहां भी उनका एक वेटर गायब है। सर वेटर गायब है? सर डॉक्टर सालुन की एक रिपोर्ट आ गई है, स्टोर रूम में से जो हमें खून मिला था वो अक्षत का ही है। मतलब अक्षत का खून स्टोर रूम में ही हुआ है। और तो और सर, अक्षत के घाव में से जो हमें कांच के टुकड़े मिले थे वो भी उन कांच के टुकड़ों के साथ मैच हो गए जो हमें स्टोर रूम में से मिले थे। अच्छा निखिल ऋषभ को लेकर आ। सर जल्दी। सर ऋषभ एक बात बताओ, तुम स्टोर रूम में पहुंचे कैसे? क्या हुआ क्या था? सर ऐसा हुआ था कि उस रात को अक्षत मेरे पास आया मेरे से माफी मांगने के लिए। अक्षत ने माफी मांगी तुमसे? हाँ सर, और मैंने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, दोस्तों में तो ये सब होता ही रहता है। मतलब अक्षत की वाइफ के साथ तुमने जो छेड़छाड़ की थी ये अक्षत भूल गया? कोई छेड़छाड़ नहीं थी सर, बस मजाक था भाभी के साथ। भाभी के साथ मजाक था ये? फिर वो कहने लगा चल अपनी दोस्ती की नई शुरुआत करते हैं, तो मैंने भी कहा ठीक है। इस पर वो बोला चल ड्रिंक लेते हैं। अब हम लोग ड्रिंक पीने के लिए कमरे में चले गए। फिर सर मैंने अचानक देखा कि वो मेरे ड्रिंक में कुछ मिला रहा था। अक्षत तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला रहा था? हाँ सर, अब मेरा दिमाग भनक गया, मैंने ड्रिंक पीने से मना कर दिया। इस पर वो मुझ पर गर्म होने लगा और मेरे साथ हाथापाई करने लगा। तुमसे हाथापाई करने लगा? हाँ सर, एक वेटर ने हम लोगों को झगड़ते हुए देख लिया और वो हल्ला मचाने लगा। उसके बाद अक्षत मुझे छोड़कर उसके ऊपर टूट पड़ा और उसने वो जहरीली ड्रिंक जबरदस्ती उस वेटर को पिला दी। मतलब अभिजीत वेटर गायब नहीं, वेटर मर गया है। वो जली हुई लाश उस वेटर की ही है। फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं सर, मैं तो अपनी जान बचाकर कमरे से भाग गया। मैं नीचे जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचा पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया और मेरी नाक पर पता नहीं कुछ रख दिया, शायद क्लोरोफॉर्म था सर। मैं बेहोश हो गया उसके बाद। और ये सब कितने बजे की बात है? यही कोई 12:30 बजे। 12:30 बजे अक्षत की मौत हुई 2 से 3 बजे के बीच में स्टोर रूम में। जब उसका खून हुआ तुम वहीं पे थे, तो तुमने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? नहीं सर, मैं तो बेहोश था, आप तो जानते हैं मेरी हालत कैसी थी। मैंने कुछ नहीं सुना सर, और अगर मैं सर कुछ सुनता तो कुछ जरूर करता। मतलब अभिजीत जिसने भी अक्षत का खून किया है उसी ने ऋषभ को बेहोश करके स्टोर रूम में डाल दिया। सर स्टोर रूम और पूल के बीच में वो सिक्योरिटी वाला रघु बैठता है, इतना सब कुछ हुआ उसने देखा कैसे नहीं? देखो रघु, ये पक्का हो गया कि अक्षत की लाश को खूनी इसी कॉरिडोर से लेके आया था, तुम्हारी डेस्क से होता हुआ यहां स्विमिंग पूल पे गया और उसने लाश स्विमिंग पूल में फेंक दी। तुम यहीं पे बैठते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कॉरिडोर से आने वाला आदमी तुम्हारी नजरों से बच जाए। तुमने खूनी को जरूर देखा होगा। साहब मैंने कहा ना कि मैं 12 से 3 के बीच में 2-3 बार बाहर गया था। 2-3 बार बाहर गए थे? कहां गए थे? बाथरूम साहब। कितने बजे? यही कोई 1 बजे और फिर 2:15 बजे। 1 बजे और 2:15 बजे, और कहीं नहीं गए तुम? नहीं साहब। ध्यान से सोच के बताओ, कुछ याद आता है? साहब एक फोन आया था। फोन आया था? हाँ साहब। कितने बजे? 1:30 बजे और 1:45 बजे। 12:30 बजे तो ऋषभ को घसीट कर स्टोर रूम में ले जाया गया था और 3:15 बजे के करीब तो अक्षत की लाश स्विमिंग पूल में डाली गई थी।
मतलब अभी जी, जब अक्षित की लाश को स्विमिंग पूल में डाला गया और जब ऋषभ को घसीट कर स्टोर रूम में रखा गया, इन दोनों वक्त पर रघु को फोन आए थे। कहां से फोन आए थे रघु? रिसेप्शन से सर। रिसेप्शन से? हाँ सर, बोले कि सर चले आओ, कुछ काम है। और फिर जब मैं वहां पहुंचा तो बोले कि हमने तो बुलाया नहीं। अच्छा, मतलब सर ये खूनी की कोई चाल है। जब ऋषभ को गोडाउन में रखा गया और अक्षित को स्विमिंग पूल में फेंका गया, दोनों बार इसे यहाँ से हटा दिया गया। हाँ। निखिल सर, रिसेप्शन पे जो है उसे लेकर आओ जल्दी। सर ये बात तो पक्की है कि इस खून के पीछे रिसोर्ट के किसी आदमी का हाथ है। सर ये क्या कह रहे हैं सर, अंदर का आदमी कोई क्यों करेगा सर ये? किसी अंदर वाले ने ही किया है मिस्टर महेश। कोई ऐसा आदमी जो तुम्हारे रिसोर्ट के स्टोर रूम के बारे में जानता है और जिसने तुम्हारे वॉचमैन रघु को फोन करके रिसेप्शन पे बुलाया, वो रघु का एक्सटेंशन नंबर भी जानता है। तो ये कैलाश है, उस समय रिसेप्शन पे यही बैठे थे। कैलाश बता, क्या तुमने रघु को रात के 12:30 और 3:45 फोन करके बुलाया था रिसेप्शन पर? नो सर। हाँ साहब, इन्होंने ही बुलाया था हमें। मैं कितनी बार बोलूं, रिसेप्शन पे तुम्हें नहीं बुलाया गया था। फोन आया था सर, इन्होंने बुलाया था मुझे। सर ये अपने आप चलाया था और रिसेप्शन से सर कोई फोन नहीं गया था। इसके एक्सटेंशन नंबर पे फोन आया था तो फोन रिसेप्शन से किया गया होगा ना? सर रिसॉर्ट के सारे फोन इंटरकनेक्टेड है तो फोन तो कहीं से भी हो सकता है। सारे फोन इंटरकनेक्टेड है? जी सर। सर वो स्टोर रूम में भी एक फोन पड़ा हुआ था ना? हाँ, कहीं खूनी ने उसी से तो फोन नहीं किया? हो सकता है। अभिजीत, स्टोर रूम वाले टेलीफोन से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। ने रघु को फोन करके रिसेप्शन पे बुलाया है। कौन ये? रॉबिन, 15 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ है सर। रॉबिन तो सिर्फ एक मौरा है सर, असली बाजी कोई और ही खेल रहा है। तो दया, इस रॉबिन के फोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो कहां-कहां से फोन आते थे, किस-किस को फोन करता था ये। सर रॉबिन का फोन रिकॉर्ड मिल गया है। रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर है जिससे उससे 20 बार फोन किया गया। 20 बार फोन किया? कौन सा नंबर है ये? वो नंबर सर 1687-003-05-3305। ये तो कुछ जाना पहचाना नंबर है। यस सर, ये नंबर इसके नाम पे रजिस्टर्ड है। अच्छा, इसके नाम पे, तो ये है हमारा खूनी। सर, हाँ सर, अब तो पता चल गया ना सर कि खूनी कौन है। हाँ पता चल गया, खूनी आपके रिसोर्ट का कोई आदमी है। क्या? हमारे रिसोर्ट का? जी हाँ सर। हमारे रिसोर्ट पे खूनी कैसे हो सकता है सर? सारे कमरे दिखाइए, चलिए चलिए चलिए। लेकिन सर हमारे रिसोर्ट, चलिए आप।
सभी कमरे चेक करो, पूरे मेरे साथ आओ। जिया को किसने छेड़ा? मुझे चलने दो, मुझे चलने दो, हटो हटो। चलो अभी से आप बदल ले दो, उठाओ इसे। तो फिर बताओ क्यों मारा तुमने अक्षित को? घुटन हो रही थी मुझे, सहमी हुई जिंदगी से छुटकारा चाहिए था मुझे। मतलब तुम अक्षित के साथ खुश नहीं थी? अक्षित के साथ मैं तो क्या, इस दुनिया की कोई भी औरत खुश नहीं रह सकती। क्यों, ऐसा क्या करता था अक्षित? शक, हमेशा वो मुझ पर शक किया करता था। मैं अगर किसी लड़की से 2 मिनट के लिए बात कर लूं तो उसे लगता था कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। तो उससे डिवोर्स ले लेती, जान से क्यों मारा? अगर मैं उसे डिवोर्स देने की बात करती ना तो वो मुझे ही जान से मार देता। उसके शक का जुनून उस पर इस हद तक सवार था कि उसने मेरे पीछे एक जासूस लगा दिया था। वो जासूस अक्षित ने तुम्हारे पीछे लगाया था? हाँ, वो जासूस हर वक्त मेरा पीछा करता। मैं सब्जी लेने जाऊं, मैं मॉल में शॉपिंग करने जाऊं, 24 घंटे मेरे पीछे एक परछाई की तरह भटकता रहता। और फिर मैंने एक दिन उसी जासूस को अक्षित से ज्यादा पैसे देके अपने साथ प्लान में शामिल कर लिया। यही प्लान बनाया था ना तुमने कि रिसोर्ट में वैलेंटाइंस डे पर पार्टी होगी और पार्टी के बाद में तुम अक्षित को मार डालोगे? हाँ, और इसलिए उस जासूस कमलेश ने रिसोर्ट में नौकरी कर ली, पेटर की नौकरी। वो जासूस वही था ना जिसकी उंगलियों के निशान हमें फोन पे से मिले थे? हाँ। कमलेश उर्फ रॉबिन, उसी की मदद से पहले मैंने अक्षित को स्टोर रूम में मार डाला, फिर हम दोनों ने उसकी लाश को स्विमिंग पूल में फेंक दिया। और फिर ऋषभ को स्टोर रूम में क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो बाहर जाकर हल्ला मचा देता कि अक्षित के हाथों से वेटर का खून हो गया, और अगर ऐसा हो जाता अक्षित को मारने का मेरा प्लान धरा का धरा रह जाता। जिस स्टोर रूम में ऋषभ कैद था तुमने वहीं पे अक्षित का खून कर दिया, लेकिन अक्षित को तुम लोग वहां ले कैसे गए? उस रात 2 बजे जब अक्षित रिजॉर्ट में वापस लौटा, मैं कॉरिडोर में उसका इंतजार कर रही थी। जिया, तुम यहाँ पे? वो मैं उठी थी तो तुम रूम में नहीं थे। तो रूम में अक्षित का सर फोड़ने के बाद करीब 3:45 बजे हम उसकी लाश को स्विमिंग पूल की तरफ ले गए। तो तुम पुलिस के पास जा सकती थी, और भी तरीके थे अपने पति से छुटकारा पाने के। मुझे तो छुटकारा मिल जाता सर, पर अगर वो दूसरी शादी कर लेता तो एक और मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा हुआ मर गया। तो मुझे तो लगता है इसने जो कुछ भी किया खुद को बचाने के लिए किया। क्या हम इसे एक मौका नहीं दे सकते अपनी भूल सुधारने का? ये फैसला हम नहीं, अदालत करेगी। अदालत ही बताएगी कि इसे मौका दिया जाए या फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.